हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डे में। आज जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ की, वो लेके आया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप क्या करो, दो इक्वल चार्ज और अपोजिट साइन वाले लो और उनके बीच की अगर डिस्टेंस टू वेल हो, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ट्वेल्व। ठीक, अब हमें जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के कारण, वो निकालना है हमें उसको एक्सियल या एंड ऑन पोजिशन पे निकालना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनाएंगे, एक चार्ज यहां लेंगे, एक चार्ज यहां लेंगे, ठीक है। सपोज ये वाला हमारा माइनस क्यू है जो ए पे रखा हुआ है, और ये हमारा प्लस क्यू है जो हमने बी पे रखा हुआ है, ठीक। और आपको पता है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं, हम टू एल लेते हैं। तो टू एल को हमने सेंटर से ही क्या कर दिया, एल एल में डिवाइड कर दिया, यानी यहां से यहां तक को हमने एल ले लिया और यहां से यहां तक को हमने एल ले लिया, ठीक है। यानी टोटल कितना हो गया, टू एल हो गया, तो हाफ एल हो गया या हाफ आपका एल हो गया। अब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सपोज यहां पे आपको निकालना है, अब एक्सेल पोजीशन है, एक्सेल पोजीशन मतलब इसी एक्सिस पे निकालना है आपको। अब आप इस साइड निकालो चाहे इस साइड निकालो, ठीक है। तो हम यहां पे निकालते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी, क्या नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम यहां पर इस पॉइंट की अगर हम सेंटर से डिस्टेंस देखें, तो क्या है, इस सेंटर से हम इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं कितनी, आर, कितनी ले लेते हैं, आर, ठीक है। किसकी, इस पॉइंट की, जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। और अब हम पहले Q से P तक की डिस्टेंस देख लेते हैं। P से Q की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहां से यहां तक की R और यहां से यहां तक की L, तो ये बची कितनी, ये टोटल R में से L को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस बचेगी। तो ये जो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं, वो हमारा निकलता है आर माइनस एल करके, आर माइनस एल करके, ठीक है। और अगर ए से डिस्टेंस देखे पी की, ए से पी तक की डिस्टेंस देखे, तो इसमें क्या होगा, आर में ये एल ऐड हो रहा है तो आर प्लस एल कर देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, आर प्लस एल, ठीक है। तो ये यूज होंगे आपके डेरिवेशन में, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, यहां पे वैल्यू देख लेते हैं हम, क्या क्या वैल्यू हमारी फाइंड हुई इस डायग्राम से। तो अगर हम यहां से किसकी वैल्यू देखें, ओपी की वैल्यू देखें, तो ओपी की वैल्यू है आर, ठीक है। अगर हम यहां से बीपी की वैल्यू देखें, तो बीपी की वैल्यू कितनी आई, आर माइनस एल, ठीक है। और अगर हम यहां से एपी की वैल्यू देखें, तो एपी की वैल्यू आई हमारी कितनी, आर प्लस एल, ठीक। अब देखो हम, हमें जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके कारण जो होगा उस पर कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम एक मिनट, ठीक। तो यहां पर क्या है, इस प्लस क्यू के कारण जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, वो हम ले लेते हैं किधर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्लस से कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई प्लस चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक। तो ये बाहर की तरफ ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम ई वन, और इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ ले लेते हैं उसको, तो इसको ले लेते हैं हम ई टू, क्योंकि माइनस चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये E2, तो E1 और E2 को हमको निकालना है पहले, और यहीं पे से हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो पहले हम E1 निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ले रहे हैं, ई वन प्लस क्यू के कारण, तो इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट पी तक की, बीपी, तो बीपी हमने लिखा था कितना, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, आर स्क्वायर होता है ना, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल की का स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम, ऐसे डायरेक्शन लिखेंगे यहां पर जो ई वन की डायरेक्शन कहा है, बी टू पी, बी टू पी, यानी बी से पी की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी हम यहां से ई टू निकाल लेते हैं, तो ई टू की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब माइनस क्यू के कारण देखो, तो ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर प्लस एल, तो यहां पर आर प्लस एल लिखेंगे हम का स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ, यानी पी टू ए, पी टू बी या पी टू ए, हाँ पी टू ए ले लेंगे, ठीक है, पी से ए की तरफ। ठीक, अब ई वन ई टू आ गया आपका। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, एक मिनट, अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि इन दोनों में से ई वन बड़ा होगा या ई टू बड़ा होगा, तो देखो प्लस क्यू चार्ज जो है पी के बहुत नजदीक है, तो यानी ये जो ई वन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, माइनस क्यू से जो इसमें लग रहा होगा वो कम होगा, तो यानी ई वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन है ई टू से। तो यहाँ पे हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे, ई वन माइनस ई टू, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देते हम, ई वन की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वन अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस ये भी हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से q 1 अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, देखो कॉमन आ रहा है ना यहां से ये और यहां से ये कॉमन आ रहा है, तो q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेना है आपको, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो तो आर प्लस एल का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो तो माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला खोल दो तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे फॉर्मूला खोलोगे तो यहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल हो जाएगा, ए प्लस बी का और स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, माइनस आर स्क्वायर, अब यहां प्लस होता है जब प्लस एल स्क्वायर होना चाहिए मगर बाहर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, और यहां पे माइनस टू आर एल होना चाहिए था तो यहां पे प्लस टू आर एल हो जाएगा क्योंकि अंदर का बाहर का माइनस उसको प्लस कर देगा, ठीक है, अपॉन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या करेंगे, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर लिख देंगे, देखो एक माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख दिया और बाहर इनके स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से ये कट रहा है, ये कट रहा है, केवल क्या बच रहा है, टू आर एल टू आर एल, तो ये क्या हो जाएगा, फोर आर एल, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया था, इसको ऐसे ऐसे काट लिया था, ठीक है, तो क्या बच रहा है यहां पे, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचेगा, टू और टू कितना हो गया, फोर आर एल अपॉन, अब देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप डायग्राम देखो तो आर की वैल्यू आपकी देखो कितनी बड़ी है और एल की वैल्यू आपकी बहुत छोटी है, तो अगर आर आपका बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, एल से, तो एल को यहां पे क्या कर दो, एल को यहां पे नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, तो एल को यहां से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख देंगे हम फोर आर एल अपॉन क्या, यहां से एल स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर की पावर फोर बन जाएगा, देखो ये आर स्क्वायर है और टू टू जा कितना हो गया फोर, और ये एल स्क्वायर तो हट गया। अब आपको देखो आपने एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ट्वेल्व, तो इसको इसी फॉर्म में बना दो, किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल के मामले में की फॉर्म में, ठीक है, तो ये तो आपका देखो इस क्यू को अंदर ले जा लेंगे तो यहां पे बन जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे देखो एक टू इससे ले लो, ठीक है, फोर में से टू ले लिया, और एक क्यू ये और एल ये ले लो, ठीक है, क्या ले लो, क्यू को ये ले लो और एल, तो एल तो इसी के साथ रख दिया इंटू ये क्यू आ जाएगा और क्या बचेगा, एक टू आर, क्या बचेगा, टू आर, ठीक, अपॉन आर की पावर फोर, तो यहां पे देखो ये क्यू टू एल को क्या लिख देंगे हम, पी, क्या लिख देंगे, पी, तो इसको लिख दिया हमने पी, और यहां पे बच रहा है टू आर अपॉन आर की पावर फोर, तो एक आर से इसका आर कट गया तो क्या बचा है, ये बचा टू पी अपॉन आर क्यू, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डाइपोल, तो इतना आपको इस डेरिवेशन में करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, तो कुछ भी अगर इस
वीडियो में आपको दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो थैंक यू।